जब किसी को किसी चीज की प्राप्ति औकात से ज्यादा हो जाती है तो वो अपनी सीमा अपनी मर्यादा भूल जाता है। ये बात एकदम सटीक बैठती है सनराइजर्स हैदराबाद के प्रशंसक पर और उनके जितने फैंस हैं उनके ऊपर। वेलकम टू क्रिकेट इन शो में आप क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। मुंबई इंडियंस का ये वर्ष जो है कुछ कमाल का नहीं रहा। पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी थी, कोई भी खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पाया। जो अभिषेक युवा माने जाते थे, अपने आप को एकदम विस्फोटक बल्लेबाज मानते थे, वो 11 रन पर चले गए। ट्रेविस हेड का बल्ला चला, वही सर्वाधिक स्कोर बनाए और वो 42 रन ही मार पाए। उसके बाद कप्तान पैट कमिंस जो कि उनसे कम मारे और टीम में सबसे ज्यादा मारे 35 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का दबदबा रहा, जलवा रहा। हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान मुंबई इंडियंस के, वो 3 विकेट चटकाए। पीयूष चावला 3 विकेट चटकाए। पीयूष चावला एक अनुभवी गेंदबाज, एक अच्छे गेंदबाज, एक भारतीय पूर्व गेंदबाज जो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव बरकरार रखा, अपना जलवा बरकरार रखा और सनराइजर्स हैदराबाद 173 स्कोर बोर्ड पर लगा ले गए। अब बल्लेबाजी थी मुंबई इंडियंस की, सबको लग रहा था कि हो सकता है मुंबई इंडियंस भी लड़खड़ाए इस मुकाबले में, फिर से सनराइजर्स हैदराबाद अपने पक्ष में ये मुकाबला करे। अभी तो एकदम उल्टा हुआ। मुंबई इंडियंस का जो शुरुआती विकेट था वो जल्दी गिर गया, परंतु फिर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपने पारी को ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ाते गए। सूर्य कुमार यादव 102 रन की पारी खेले। तिलक वर्मा उनका साथ निभाए और मुंबई इंडियंस ने मुकाबला 7 विकेटों से अपने पक्ष में कर लिया। मुंबई इंडियंस की जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि नीचे की जो टीम है वो बेहतरीन खेल रही है और अंक तालिका में ऊपर आ रही है। वही पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद नीचे जाने वाली है, हो सके क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि बैठी है अभी लखनऊ की टीम। लखनऊ दिन प्रतिदिन अच्छा प्रदर्शन कर रही है, शांत टीम है, अच्छा स्वभाव है, इनके प्रशंसक इनके दर्शक भी कमाल के हैं, कभी किसी खिलाड़ी किसी टीम को बुली नहीं करते हैं। लखनऊ के लिए सलाम है दिल से। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी, इधर देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंशोमिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।